हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुलरहमान और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कंपनी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पीपल्स इन जी प्लस गूगल प्लस। तो इसके लिए ज़रूरी है इसकी वेबसाइट पे जाया जाए। google.com को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। वो ट्रांसलेटर खुल गया था, मैंने देखा नहीं, तो URL चेंज था। GWGGL ये हम चले गए हैं गूगल प्लस पे और अब हम देखेंगे कि पीपल्स इसमें क्या है। पीपल्स पे चले जाते हैं। इसमें वो लोग हैं, पीपल्स का मतलब होता है कि जो आप जिन्हें ऐड कर सकते हैं, जिनको फॉलो कर सकते हैं या जीमेल से कनेक्टेड हैं आप, उन सब को आप अपना रख सकते हैं। इसमें सुगेस्टेड पीपल्स में वो हैं जो आपके दोस्त जो हैं, उन्होंने आपको उन्होंने अपने साथ ऐड किया तो गूगल ने समझा शायद ये इनके भी दोस्त हों तो, और उन्होंने आपकी तरफ भेज दिया। ऐड यू, इसका मतलब है जिन्होंने आपको ऐड किया अपने साथ। अगर आप भी ऐड करना चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है। जीमेल कनेक्टेड, जिनको आप मेल वगैरह करते हैं या जीमेल से कनेक्टेड हैं, वो ये वाले लोग हैं जिनको आज तक मैंने मिले वगैरह सेंड किए हैं। और इनको ऐड करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो ना करें। उसके बाद हैविंग इन योर सर्कल, हैविंग यू इन सर्कल, यानी कि जिनको आप अपने सर्कल में ऐड कर लिया है। सर्कल क्या है? सर्कल बेसिकली एक फ्रेंड लिस्ट है। फ्रेंड लिस्ट जिस तरह फेसबुक पे होता है, इस तरह इसमें फैमिली के लिए फ्रेंड लिस्ट मुख्तलिफ किस्म की हैं। इसमें एक फ्रेंड लिस्ट नहीं, जिस तरह से मैं इस पर क्लिक लेके जाता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉलोइंग हैं, स्पोर्ट्स हैं, एड्स हैं। अगर हम न्यू जनरेट करना चाहते हैं फ्रेंड लिस्ट, वो भी स्कूल से जनरेट कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने खुद ऐड किया है या जिन्होंने मुझे ऐड किया है। उसके बाद योर सर्कल, ये वाले मेरे सर्कल हैं टोटल, जितने भी मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्रेंड्स जो हैं इसमें है 285, फैमिली में है 2, अक्वायरमेंट्स में 1 है, फॉलोइंग में 1 है, स्पोर्ट्स में 2 हैं और ऐड में 1 है। वो ऊपर सेलेक्टेड और है। अब देखते हैं इसमें फ्रेंड्स, ठीक है, ये मेरे तमाम के तमाम फ्रेंड्स हैं। रेफर्स करें, मैंने जैसे डिलीट करना है ऐसे स्टार्ट करें और यहाँ से डिलीट कर दें, तो डिलीट भी सुकून से किया जा सकता है इनको।